हेलो स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल विल बी फाइन। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द एडजेसेंट एंगल ऑफ द पैरेललोग्राम एंड फाइंड द एंगल्स ऑफ द पैरेललोग्राम। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस अबाउट सम प्रॉपर्टीज वी हैज डन इन द प्रीवियस लेक्चर। प्रीवियस लेक्चर में हमने पैरेललोग्राम से रिलेटेड कुछ प्रॉपर्टीज की थी। पैरेललोग्राम के इंटीरियर एंगल का सम कितना होता है? इंटीरियर एंगल का सम होता है 360 डिग्री। क्यों होता है? क्योंकि पैरेललोग्राम आपका एक क्वाड्रिलेटरल होता है जिसकी आपकी अपोजिट साइड पैरेलल होती है, और क्वाड्रिलेटरल के इंटीरियर एंगल का सम होता है 360। तो आपके पैरेललोग्राम का भी इंटीरियर एंगल का सम कितना रहेगा? 360 डिग्री। उससे नेक्स्ट हम बात करेंगे कि इसके एंगल से रिलेटेड हमने एक प्रॉपर्टी की थी। पैरेललोग्राम के जो अपोजिट एंगल होते हैं वो आपके इक्वल होते हैं। अपोजिट एंगल्स आर इक्वल इन पैरेललोग्राम। और क्या प्रॉपर्टी होती थी पैरेललोग्राम की? पैरेललोग्राम के जो डायगोनल हैं वो जहाँ इंटरसेक्ट करते हैं वो उस डायगोनल को टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। ये बोला था, बाइसेक्ट कर देते हैं उस डायगोनल को जहां वो इंटरसेक्ट करेंगे आपस में। ठीक है, अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। और फर्स्ट क्वेश्चन इज द मेजर ऑफ टू एडजेसेंट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इन द रेशियो 5:4। ये 3 नहीं है, ये 4 है। जो मेजर दी है आपको टू एडजेसेंट एंगल्स की एक पैरेललोग्राम की, वो किस रेशियो में है? 5:4। फाइंड द मेजर ऑफ ईच ऑफ द एंगल्स ऑफ द पैरेललोग्राम। आपको क्या करना है, जितने भी एंगल्स होंगे उनकी क्या करनी है? मेजर फाइंड आउट करनी है। अब एडजेसेंट एंगल्स आपके होंगे जो कॉन्टिन्यू साथ लगते एंगल होंगे, वो होंगे एडजेसेंट एंगल। जैसे लेट अस अज्यूम ABCD इज अ पैरेललोग्राम, ABCD भी है पैरेललोग्राम। ABCD आपने एक पैरेललोग्राम ली, ठीक है। इन्होंने क्या रेशियो बोली थी आपको? 5:4। रेशियो वाले क्वेश्चन आपने लास्ट चैप्टर में भी किए थे, सेम वही प्रोसीजर यहाँ रहेगा। जहाँ रेशियो होती वहाँ एक्स और अज्यूम कर लेते थे ना, लेट 5x एंड 4x बी टू एडजेसेंट एंगल। आपने क्या अज्यूम कर लिया? 5x एंड 4x आपके क्या है? टू एडजेसेंट एंगल है। 4x है ये, यहाँ पे ये बाय मिस्टेक 3x हो गया है। क्या है यहाँ पे? 5x एंड 4x एडजेसेंट है, मतलब कॉन्टिन्यू। जैसे अगर सी से जाना है डी पे जाएंगे, डी से जाना है बी पे, बी से ए, ए से सी। तो एडजेसेंट का मतलब होता है सी से नेक्स्ट, ठीक है, सी के साथ वाला, ये भी और ये भी, ठीक है। एक 5 है तो उससे एडजेसेंट कितना है? 4x है। और आपकी पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी क्या होती है? कि अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं। ये 5x होगा तो इसके अपोजिट है बी वाला, ये भी कितना होगा? 5x। ये 4x है तो इसके अपोजिट है ये ए वाला, ये भी कितना हो जाएगा आपका? 4x, ठीक है। अब आपने किया कि इंटीरियर एंगल का सम कितना होता है? 360 डिग्री। एंड आपके पास ये चारों क्या है? इंटीरियर एंगल। इनका सम करेंगे क्या आएगा? 5x प्लस 4x प्लस 5x प्लस 4x एंड विच इज इक्वल टू 360 डिग्री। यही बताया मैंने अभी कि 360 डिग्री के इक्वल होता है इनका सम। क्या बन गया? 5 + 4 9, 9 + 5 13, 9 + 5 14, 14 + 4 = 18x = 360 डिग्री। बट आपको x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। x की वैल्यू फाइंड आउट कैसे करेंगे? ये 18 मल्टीप्लीकेशन में राइट साइड में जाएगा तो डिवीजन में आ जाएगा। डिवाइड करवाएंगे 360 डिग्री को 18 से, क्या आ जाएगा? 20, ठीक है। x की वैल्यू क्या आ गई आपके पास? 20 डिग्री। एंगल्स क्या क्या थे आपके? 5x एंड 4x। 5x था तो 5 और x की जगह x की वैल्यू रख दो, क्या आ गया? 5 की 20 से मल्टीप्लीकेशन 100 डिग्री। एंड सेकंड क्या था? 4x 4 की करवा दो 20 से, क्या आ जाएगा? 80 डिग्री। x की जगह आप x की वैल्यू पुट करती हैं, ठीक है। अब आपके एंगल क्या क्या आ गए? 100 डिग्री, ये 80 डिग्री, अपोजिट सेम, तो ये 80 डिग्री और ये 100 डिग्री, ठीक है। सारे एंगल्स फाइंड आउट होंगे, यही आपको करना था। बस आपको जो स्टेटमेंट गिवन होती है उसी के अकॉर्डिंग उस स्टेटमेंट को फॉलो करना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ABCD इज ए पैरेललोग्राम, फाइंड द वैल्यूज ऑफ x, y, z।
एबीसीडी आपके एक पैरेललोग्राम है, आपको एक्स वाई और जेड की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब देखिए ये एक एबीसीडी पैरेललोग्राम गिवन है, ये एंगल आपको 60 डिग्री गिवन है, ये एक्स है, ये वाई है, ये जेड है, ये एक्स गिवन है आपको, ये 30 डिग्री गिवन है। अब आपकी पैरेललोग्राम है तो ये बताइए ये अपोजिट एंगल इक्वल, तो एक्स और एक्स इक्वल होंगे, ठीक है। और जो आपका डायगोनल है वो बिल्कुल इंटरसेक्ट करते हैं ना, बाइसेक्ट करते हैं उसको एंगल को, जो आपका डायगोनल है आपके एंगल को क्या करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं, ठीक है। अब आप ये देखिए ये पैरेललोग्राम जो है आपका, ये भी एंगल एक्स, ये भी एंगल क्या आ गया आपका एक्स, और कोई भी लाइन है आपके उसके अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं हमेशा। कोई भी लाइन अगर गिवन है आपको तो उसके अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं। आप जैसे अगर ये जेड है, इस जेड के ये लाइन है ना, और सेम लाइन पे ये जेड है और ये अपोजिट साइड क्या है, ये एंगल, तो ये भी क्या हो जाएगा आपका, जेड बनेगा। और ये एंगल 30 डिग्री है और ये एंगल वाई है, तो ये वाई और ये 30 भी ये अपोजिट होगी, एक लाइन पे है और अपोजिट है, तो ये दोनों भी इक्वल होंगे। अब हम फाइंड आउट करेंगे एक्स वाई एंड जेड की वैल्यूज। अब देखिए आपका ये है एक्स, ठीक है, एक्स क्या रहेगा, ये भी तो एक्स है आपका, एक लाइन पे कल मैंने बताया था लीनियर पेयर है ना, ये एक एंगल 60 डिग्री, एक एंगल एक्स, और मैंने क्या बताया था, जो भी आपका एक लाइन पे ये टोटल एंगल होता है ये 180 डिग्री होता है, तो x प्लस 60 डिग्री किसके इक्वल होना चाहिए, 180 डिग्री के इक्वल होना चाहिए, क्योंकि इनका सम कितना होता है 180 डिग्री। x की वैल्यू क्या आ गई, 180 डिग्री माइनस 60 कितनी आ गई, 120 डिग्री। और ये कौन सी प्रॉपर्टी से किया आपने, लीनियर सम प्रॉपर्टी से, ठीक है। लीनियर एंगल का जो सम होता है वो कितना होता है, 180 डिग्री होता है। x की वैल्यू क्या आ गई आपके पास, 120 डिग्री, x की वैल्यू आ गई 120 डिग्री, ठीक है। अब मैंने क्या बोला, ये एक आपकी लाइन है, ये क्या है, अपोजिट एंगल है, क्या हो जाएगा y किसके इक्वल हो जाएगा, यहां से 30 के इक्वल हो जाएगा, y कितना हो गया आपका 30। अब देखिए आपने ये एंगल भी फाइंड आउट कर लिया, ये एंगल भी फाइंड आउट कर लिया, ये गिवन है आपको, ओनली जेड जेड फाइंड आउट करना है, कर सकते हैं। आपको पता है जो इंटीरियर एंगल है, चार में से तीन फाइंड आउट कर लिए, एक तो कर ही सकते हैं, क्योंकि पैरेललोग्राम के इंटीरियर एंगल का सम कितना होता है, 360 डिग्री, तो आपके जितने भी इंटीरियर एंगल है उनका सम कर दो, ये क्या है 30 प्लस, ये क्या है एक्स, ये है 30 प्लस जेड, ये है एक्स, ये है वाई प्लस जेड, और इनकी वैल्यू कितनी आएगी सबका सम, 360 डिग्री। तो अब आप किस किस की वैल्यू रख देंगे, वाई की पता है और एक्स की पता है, एक्स की 120 डिग्री प्लस 30 डिग्री प्लस जेड, एक्स की जगह 120 डिग्री, वाई की जगह 30 डिग्री प्लस जेड इज इक्वल टू 360 डिग्री, ठीक है। अब जेड प्लस जेड कितना हो गया, टू जेड प्लस 120 प्लस 30 150 प्लस 120 270 प्लस 30 इक्वल टू 300, ठीक है, विच इज इक्वल टू 360 डिग्री। जेड की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, इजीली कर सकते हैं, 2z इज इक्वल टू 360 डिग्री माइनस 300 डिग्री, 360 में से 300 को सबट्रैक्ट करेंगे क्या आ जाएगा, 60 डिग्री, दिस इज 60 डिग्री, 2z की वैल्यू आई 60 डिग्री, जेड की चाहिए, ये 2 मल्टीप्लीकेशन में राइट साइड में जाके डिवीजन में आ जाएगा, 60 को डिवाइड करवाएंगे 2 से तो आंसर विल बी 30, जेड की वैल्यू क्या आ गई आपकी 30। तो तीनों वैल्यूज आ गई आपके पास, क्या क्या आई, एक्स की वैल्यू आई आपके पास 120, वाई की आई 30 डिग्री, एंड जेड की भी कितनी आई 30 डिग्री, ओके। अब आपका आंसर सही आया कि नहीं आया ये कैसे चेक कर सकते हैं, अब देखिए ये वाई आया 30, जेड आया आपका 30, ये 30 गिवन है और ये जेड ही था, अपोजिट था, रख दीजिए वैल्यू सारी, देखिए ये 120 है, ये 120, ये कितना बनेगा 30 प्लस 30 60, ये बनेगा 30 प्लस 30 60, अपोजिट एंगल इक्वल हो गए ना आपके, और ये भी अपोजिट एंगल इक्वल है, इसका मतलब आपका क्वेश्चन सही है। थैंक यू क्लास।